पुलिस शब्द सुनते ही लोगों के मन में डर सा माहौल बन जाता है। कोई नहीं चाहता कि उसके घर पर पुलिस दस्तक दे। पुलिस शब्द सुनते ही लोगों में नेगेटिविटी का भाव आ जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पुलिस वाले भी होते हैं जो जनता के अंदर छिपे इस डर को पहचानते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनके मन में से ये डर खत्म हो और वो पुलिस को अपना मित्र समझे। इसी कोशिश में कभी कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखकर लोगों के मन में पुलिस के लिए सम्मान का भाव जाग जाता है। राजधानी लखनऊ से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। दरअसल लखनऊ के हजरतगंज इलाके में राजभवन के पास हुई हत्या और लूट के सिलसिले में पुलिस आरोपी के घर छापेमारी करने गयी थी। खुद आईजी सुजीत पांडे टीम को लीड कर रहे थे। पुलिस जैसे ही आरोपी के घर धड़धड़ाते हुए घुसी, परिवार के लोग सहम से गए। सहम सी गई वो मासूम बच्ची भी, जिसे आरोपी की भांजी बताया जा रहा है। अचानक इतने लोगों को देखकर बच्ची रोने लगी। ये देख आईजी सुजीत पांडे से रहा नहीं गया, उन्होंने खुद इस बच्ची को चुप कराने के लिए गोद में उठा लिया। अपनी गोद में उस बच्ची को लिए आईजी सुजीत पांडे उसकी माँ के पास गए और उन्हें सौंप दिया। ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। ट्विटर पर आशीष रमेश नाम के यूजर ने तस्वीर पोस्ट करके लिखा, अचानक घर में सैकड़ों पुलिस वाले आते हैं। बच्ची जो ठीक से बोल भी नहीं पाती वो सहम सी जाती है। माँ को ढूंढती नजरें और सिसकिया ये देख आईजी सुजीत पांडे ने उसे गोद में उठाया और खुद भी भीड़ से ले जाकर उसकी माँ को सौंप दिया। इंसानियत इसी का नाम है। आईजी सुजीत पांडे की वायरल तस्वीरों ने संदेश देने का काम किया है कि अपराधियों के लिए काल है पुलिस, तो आम जनता के लिए इंसानियत की मिसाल है पुलिस। जरूरत है लोगों को पुलिस पर विश्वास करने की और कठिन परिस्थितियों में भी हमारे लिए खड़े इन खाकी वर्दी वालों के सहयोग की। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।